गंगनहर कोतवाली के बीएसएन तिराहे के पास एक्सिस बैंक के एटीएम में कैश डालते वक्त तीन हथियारबंद बदमाशों ने तीन दहाड़े 25 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि तीन बाइक सवार बदमाशों ने एटीएम में कैश डाल रहे लोगों के साथ पहले झड़प हुई और उसके बाद हवाई फायरिंग कर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं कैश गाड़ी की सुरक्षा में तैनात गार्ड भी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही डीआईजी पुष्पक ज्योति और एसएसपी हरिद्वार रुड़की पहुंचे, जहां डीआईजी ने घायल सुरक्षा कर्मी का हाल जाना और मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस ने फिलहाल टीमें गठित कर बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी है। दिन दहाड़े लूट की घटना के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से अली जैदी की रिपोर्ट। गोली गोली किसने मारी है? मेरी बंदूक मुझे कुछ पता नहीं। आप ही खोड़ी रखी थी? आप बंदूक आप ही खोड़े थे? हाँ जी।